हेलो प्यून, आज हम लोग देखने वाले हैं लाइक टाइप ऑफ ट्रैकिंग, लाइक की फ्रेम ट्रैकिंग कैसे करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने एक नया अपना कॉम्प ले रखा है, यहाँ पर नोट को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिंपल से पार्ट में तो उसे मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। और लाइक मेरे पास कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, खेल से मेरे पास यहाँ पे उन चीज़ों को मैं जस्ट कॉल करता हूँ यहाँ पे, आर प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा डेटा, ओपन कर लिया मैंने ऐप इसको बाय डिफॉल्ट लाइक टू अनलॉक, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट किया है, यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है, प्रेस करते हैं वन प्रेस करनी, इसको सेलेक्ट कर वन प्रेस करो, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अभी ट्रैकिंग करना है, ट्रैकिंग करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म में, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाके हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं ट्रैकिंग का, हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं ट्रैकर, ठीक है, ट्रैकर आगे मेरे पास यहाँ पे चेक करो, ट्रैकर यहाँ है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। अभी क्या टाइप ऑफ ट्रैकिंग में, क्या अलग अलग टाइप की मैं ट्रैकिंग आपको बताने वाला हूँ, उनमें से कुछ एक पार्ट है, जैसे मैं आपको बताता था की फ्रेम ट्रैकिंग क्या होता है। की फ्रेम ट्रैकिंग लाइक सपोज मुझे यहाँ पे कोई ट्रैक पॉइंट लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वन थिंग, यहाँ पे कहता है ऐड ट्रैकिंग पॉइंट, मैं अपने जो ट्रैकर पॉइंट है मैं यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है, ट्रैकिंग पॉइंट है, मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ पे स्विच करता हूँ मैं यहाँ पे लाइक रिपीट, ओके। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइक मुझे गैप चाहिए 20 फ्रेम, ठीक है, एंटर। अभी क्या है, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ जस्ट क्लिक, तो 20 फ्रेम भी ये दिखेगा, और देन आपको यहाँ से ये मैनेज करना है, ये आपको फर्स्ट फ्रेम से मैच करना है कि कैसे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर स्विच करता हूँ मैं यहाँ पे, स्विच करने के बाद लाइक मुझे यहाँ पे दिखाना है कि मैं ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, जस्ट सिमिलर। फिर से मैंने स्विच किया, ये देखो आपके पास कीज आते रहे, कीस आने वाले आपको आइडिया मिलेगा कि लाइक कैसे आप डील करने वाले हो, किस स्टेप से हम चीज़ को मैनेज कर पाते हैं यहाँ पे। फिर मैंने कॉल स्विच किया, ठीक है, इस स्विच के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास सारी की फ्रेम आपको ऊपर देखेंगे, जस्ट सिमिलर, आपको ये ध्यान रखना है हमें 110 यहाँ पर मैंने कैसे मैनेज करने का। अभी हम लोग यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि लेकिन जो मेरे पास जो फर्स्ट फ्रेम है, लाइक मैं स्विच करके देखता हूँ, लाइक क्लिक किया मैंने पे वन पे ऐसा है, 1 and 21 सिमिलर था है, ठीक है, 1 and 41 ये भी सिमिलर था है, 1 and 61 सिमिलर था है, ठीक है, एंड लाइक सेम चीज 1 and 81 सिमिलर है, ये कुछ आसपास रहना चाहिए। अभी ट्रैकिंग में होता है क्या, ट्रैकिंग में आपके पास अलग अलग पार्ट है, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रैकिंग बताऊँगा तो उसमें एक अलग पार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो ट्रैकिंग करना है, इस ट्रैकिंग में लाइक यहाँ पे मेरे पास कीज यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास बटन है, लाइक इसे बोलते हैं की ऑल ट्रैकर या की ट्रैकर ऑल, ठीक है, इसको कहीं पे मुझे स्टार्टिंग में लेके नहीं जाना पड़ता। वैसे अगर मैं कभी भी कोई ट्रैकिंग करता हूँ तो मुझे उसमें हमेशा फर्स्ट फ्रेम में जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और ये आपका ऑटोमेटिक ये आपका ट्रैक कर देगा। तो वैसे आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये आपका है की फ्रेम ट्रैकिंग। की फ्रेम ट्रैकिंग में हम लोग को यहाँ क्या देखा यहाँ पे, लाइक देखो यहाँ पे लाइक चीज़ें कैसे आ गई यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट, मैंने जस्ट ये बाउंस कर देता हूँ आपने, ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे गो टू फर्स्ट फ्रेम, देन मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा बात, मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ की फ्रेम कैसे ट्रैक कर रहे हैं और किस टाइप से चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ जस्ट, ओके। तो ये अपने यहाँ पे सारे की फ्रेम हैं, ये हमने ट्रैक करवा दिए हैं, ट्रैक करने के बाद ट्रैकिंग पॉइंट मेरे पास आ चुका है, ओके। अभी यहाँ पे चेक करना ट्रैकिंग में होता है क्या, ट्रैकिंग में अलग अलग पार्ट भी होते हैं क्या। ट्रैकिंग में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ट्रैकर एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक हो, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म देखो, ट्रांसफॉर्म में सिर्फ ट्रांसलेट ही दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखें यहाँ पे ट्रैकर में गए। अभी मैं यहाँ पे टी आर एस का होता है, आर फॉर रोटेट, टी फॉर ट्रांसलेट, अगर मैंने यहाँ पे आर पे यहाँ पे टिक किया तो यहाँ पे आपको रोटेशन का भी डेटा मिल जाता है, अगर मैं इसे यहाँ पे नहीं करता तो यहाँ पे रोटेशन का कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। लाइक कनेक्टिविटी अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, जो भी चीज़ें वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है, लाइक मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या है, किस टाइप से लेके यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे, तो चीज़ों को हम लोग किस टाइप से मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। की फ्रेम है तो की फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें मतलब वो नहीं, लेकिन हाँ दूसरे टाइप ऑफ ट्रैकिंग में वो आपको वहाँ पर ऑटो ट्रैकिंग में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो गाइस एक की पार्ट है, एक मैं आपको और आइडिया देता हूँ कि लाइक ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कैसे करते हैं आप, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने ट्रैकर को कर दिया मैंने ऑफ, पहले गो टू फर्स्ट फ्रेम, यहाँ पे मैंने इसे कर दिया ऑफ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया ऐड ट्रैकर, ठीक है, ट्रैकिंग पॉइंट है यहाँ पे। अभी मेरे पास ट्रैक पॉइंट कहाँ गया, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे मैंने अलग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे बस पॉइंट कहाँ गया, ट्रैकर टू, ट्रैकर टू को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने अभी किया। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लाइक वो ट्रैकिंग पॉइंट है यहाँ पे, मैंने इसको उठाया और मैं यहाँ पे इस पर लगाता हूँ, ठीक है,
यहाँ पे कर सकता हूँ, या फिर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर कर सकता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे एरिया है। ये जो मेरे पास स्ट्राइकर पॉइंट है, स्ट्राइकर पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। जैसे कोई देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैं, ठीक है। इसको मैं इसका अपने एरिया छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एरिया छोटा किया, अभी जब मुझे यहाँ पे अगर इस पर काम करना है तो मैं इस पर 100 फ्रेम पे आके मैं नहीं करूँगा, या कहीं बीच में फ्रेम पे जाके मैं ट्रैक नहीं करूँगा। यहाँ पर मुझे क्या काम करना है कि जस्ट मैं यहाँ पे सिंपल से बात, ये ट्रैकिंग पॉइंट है, ठीक है, ट्रैक टू एंड, ठीक है। अगर इन कीज को देखोगे तो यहाँ पे कीज मिलेंगे आपको ट्रैक टू एंड, ये पार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक ट्रैकिंग, ठीक है। सेटिंग में जाकर देखो, सेटिंग में हमें कुछ चीज़ों का हमें देखना पड़ता है कि भाई सेटिंग इसकी क्या है, कैसे है, उन सब चीज़ों को हम लोग एक बार फोन फोन करके देखेंगे। यहाँ पे यहाँ देखो ऑटो ट्रैकिंग हो जाएगा, ऑटो ट्रैकिंग में लेके यहाँ पे वैन एरर आ जाएगा तो लेके आपको 0.01 इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मेंशन करेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हमने चेक किया, ठीक है। अभी इस पर डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। कभी कभी लाइक हमें यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे क्या करना होता है कि ट्रैकिंग के लिए हम लोग दोनों चीज़ भी यूज़ करते हैं कि हमारा बेस्ट ट्रैकिंग क्या है, लेकिन ये पार्ट है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर ट्रांसलेट है, ऑन किया मैंने ट्रांसलेट, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म आ जाएगा आपके यहाँ पे। इसका अगर मैं यहाँ पे रोटेशन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो रोटेशन पे भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा मिल जाता है, जबकि हमने अभी जब की ट्रैकिंग किया तो वो डेटा हमें वहाँ नहीं मिला था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई चीज़ें हैं क्या, किस टाइप की है। स्केल पर ट्राई करो, स्केल पे क्या मिलता है, स्केल पे आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। तो यूजुअली क्या, जब हम ट्रैकिंग करवाते हैं तो ट्रैकिंग में हम लोग इन सब चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अभी हमने ये दो पार्ट देखे ट्रैकिंग का, अभी मैं आपको एक आइडिया और देता हूँ टाइप ऑफ ट्रैकिंग, ठीक है। इसे मैंने दूसरा कॉम्प लिया, अभी मैं यहाँ पे सिंपल आर प्रेस करता हूँ, आर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर मेरे पास यहाँ पे कुछ वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को एक एक करके मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मेरे पास एक ही वीडियो है, ठीक है, और मैंने एक बार और प्रेस और किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेट किया मैंने यहाँ पे। तो अलग अलग टाइप के वीडियोज़ हैं, मैं उनका भी यहाँ पर तो ट्रैक करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि टाइप ऑफ ट्रैकिंग में आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगी चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। अभी मैंने क्लिक किया और वन प्रेस कर दिया यहाँ पे, यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। अभी यहाँ पर मैं टैप प्रेस करता हूँ, ट्रैकर ये ले लिया मैंने यहाँ पे, ट्रैकर में यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से बात ऐड ट्रैकिंग पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर दिया, ठीक है, बस यहाँ पे पार्ट आ गया यहाँ पे, ओके। नोट पे गए, मेरे पास ट्रैकर है, ट्रैकर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो ये आपको देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी ट्रैकर में हम लोग यहाँ पे क्या करना है, लाइक मैं एक साथ क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मैं सिंपल से बात मैंने ट्रैक किया, ऐड ट्रैकिंग पॉइंट, मैंने यहाँ पे इन चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। मैं ऐसे करके भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे भी है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे भी क्लिक कर सकता हूँ, फिर ऐसे भी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ऐसे भी चीज़ें जिसको मैं मैनेज करके कर सकता हूँ, ठीक है। एक काइंड ऑफ हमें बस ऐसे करके मैंने ऑटोमेटिक 5 ट्रैकर ले लिए। अभी इनको भी मैं एक साथ में ट्रैक करवा सकता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये सब कुछ ऑन कर लेना आप यहाँ पे, ऑटोमेटिक में ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आपको सारा डेटा मिल जाएगा। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, सेलेक्ट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे सिंपल बटन मिक्स और वन फ्रेम पर होना चाहिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे मैं प्ले करूँ तो मेरे पास यहाँ पे ट्रैकिंग के बाद यहाँ पे दिख जाएगा, जितने फ्रेम है वो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कर लेगा, जितने फ्रेम का मुझे यहाँ पे चाहिए वो चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर अपने ट्रैकिंग पॉइंट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रैकिंग में जो जितना फ्रेम है, जितना टाइम लगता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ ट्रैकिंग है, ठीक है। सिर्फ मैं क्लिक किया, पहले हमने एक पॉइंट को लिया, वहाँ पे पहले वाले हमने क्या किया, ऑटो ट्रैक किया और की फ्रेम ट्रैकिंग किया, इसमें क्या मल्टी मैंने ट्रैक किया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग पॉइंट दिख जाएगा। अभी यही चीज़ हमने यहाँ पे देखा, यही पार्ट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, टू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, टू प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट, एफर्ट फोकस, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या फ्रेम मेरे पास उल्टे हैं, यहाँ चेक करो, ठीक है। मैंने आप मुझे अगर मैं थोड़ी देख लिया इस ट्रैकिंग पॉइंट बता दूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे। अभी मुझे इस पर ट्रैकर लगाना था, टैप प्रेस किया, ट्रैकर लिया मैंने यहाँ पे। ट्रैकर लेने के बाद अभी ये देखो यहाँ पे एंड फ्रेम भी है, यहाँ देखो अगर आप इस वीडियो को एक बार बफर करके देखो आप यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा लाइक है क्या, जस्ट गो टू लाइक वन फ्रेम, मैंने प्ले किया यहाँ पे, तो आपको ये वीडियो देखने में पता चलेगा कि ये क्या है, नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। हम लोगों को सबसे पहले सेलेक्ट क्या करना होता है कि लाइक मेरे पास जो ट्रैकिंग पॉइंट है वो ट्रैकिंग पॉइंट किस टाइप का है और किस टाइप की चीज़ें हैं। उसमें नॉर्मल था तो हमने नॉर्मल दिखाया, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ अलग है तो हम लोग यहाँ पे अलग भी देखने वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपोजिट पे ट्रैकिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अपोजिट ट्रैकिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहीं पर सिंपल सा बात मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया यहाँ पे, ठीक है।
क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे वन क्लिक पॉइंट, एक ट्रैकिंग पॉइंट आ गया, मैं यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ पे, ठीक है। दूसरा ट्रैकिंग पॉइंट, तीसरा ट्रैकिंग पॉइंट, चौथा एंड पाँचवा ट्रैकिंग पॉइंट हमने यहाँ पे सेट किया, ठीक है। देन चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने प्ले किया, अभी यहाँ पे क्या एक उल्टा भी प्ले का बटन है, ठीक है। ट्रैक टू स्टार्ट, अगर मैं यहाँ पे ट्रैक करता हूँ तो देखो अभी ये देखो ऐसे जा रहा है, मैंने स्किप किया, कैंसिल कर दिया, यहाँ पे एक ही पॉइंट लिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, गो टू एंड फ्रेम में, बस यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे देखो बस ये एंड फ्रेम है, यहाँ पे गो टू एंड फ्रेम यहाँ पे, ठीक है। अब गो टू एंड फ्रेम यहाँ पे देखो इस वीडियो का कनेक्टिविटी कितना है, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये स्टेबल है, ठीक है। मैंने गो टू फर्स्ट फ्रेम, गो टू एंड फ्रेम, ठीक है। यहाँ पर सिंपल शिफ्ट क्लिक किया, सबको सेलेक्ट कर दिया, और देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा बैक, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग में बस यहाँ पे चीज़ें कीज बना रही यहाँ पे, ठीक है। किस टाइप का पार्ट है, कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे भी आपका यहाँ पे चीज़ें लाइक मूव होंगी तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रैक करता हो जाएगा। तो ये काइंड ऑफ ट्रैकिंग हो गया कि आप चाहो तो स्टार्टिंग से कर सकते हो, चाहे तो एंड से ट्रैक कर सकते हो, चाहे तो आप की फ्रेम ट्रैकिंग कर सकते हो। तो ये कुछ एक पॉइंट है जिसको हम लोग, मैं आपको जस्ट मैंने डिफाइन करने की कोशिश की कि किस तरह से मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। जस्ट मैं कर रहा हूँ कैंसिल, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लाइक कितना मेरे पास ट्रैकिंग का पॉइंट है, ठीक है। तो ये था काइंड ऑफ ट्रैकिंग, टाइप ऑफ ट्रैकिंग। थैंक यू।